हेलो एवरीवन, मैं हूँ वर्षा नाथानी। आप सबका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है वर्षा नाथानी। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, एंड जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है हेयर ग्रोथ सीरम। जी हाँ, पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम है, जो कि एक टाइम पर काफी ज्यादा वायरल था। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना अच्छे से यूज करते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू करते हैं। इसको मैंने आराम से 3 महीने यूज किया, इसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि 3 महीने इनफ होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसका रिव्यू शेयर करना। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो है इस तरीके से, पिलग्रिम का रिटेंसल एंड अगेन प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ सीरम, जो कि जिसमें है रिटेंसल एंड एनागेन। एंड आई थिंक मैंने उसको 3 महीने आराम से यूज किया, तो मुझे लगता है कि अब इसको ठीक टाइम है इसको रिव्यू करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने की सोच रहे हैं, या इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, या कुछ आपको दिक्कत आ रही है इस प्रोडक्ट को यूज करते टाइम, तो ये सारे जो डाउट्स है आपके इस वीडियो पे क्लियर हो पाएंगे। जी हाँ, आप इसलिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह का जो कंटेंट है आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे देखने को मिलता रहेगा। चाहे हेयर स्टाइल वीडियोस हो गए, मेकअप ट्रिक्स एंड हैक्स हो गए, प्रोडक्ट रिव्यूज हो गए, चाहे वो स्किन केयर हो गए, हेयर केयर प्रोडक्ट रिव्यूज हो गए, हॉल वीडियोस हो गए, इस तरीके के जो भी वीडियोस होते हैं, जो भी कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर देखने को मिलता रहेगा। एंड आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो जाएगी, तो आप मुझे आराम से वहां पर फॉलो कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हेयर ग्रोथ सीरम की। इसमें है रिटेंसल एंड एनागेन, तो जो कि काफी ज्यादा इस समय यू नो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है। काफी सारे शैम्पूज इसमें सीरम्स में ये जो मतलब होता है ना, ये इंडिग्रेडिएंट काफी ज्यादा इसमें ये यूज होता है। अगर रिटेंसल की बात की जाए, शॉर्ट में मैं यहाँ पे बताऊंगी रिटेंसल क्या करता है। आपके हेयर लॉस को रोकता है या हेयर फॉल को कम करता है, एंड स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को, यानी कि आपके हेयर फॉल को कम करेगा एंड आपकी हेयर ग्रोथ को काफी हद तक स्टिमुलेट करेगा। देन बात करते हैं एनागेन की। यहाँ पे मैं नॉर्मल एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्या क्या ये काम करता है, पूरा डीप में नहीं जाते, सीधे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। एनागेन क्या करता है, आपके बालों को थिक करता है, लस्ट्रेस करता है, यानी कि घने करता है, एंड इस तरह से थिक करता है। अगर किसी को हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो एनागेन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो उनको यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं इस सीरम की। ये सीरम आपको मिल जाएगा आराम से 700 से लेके 800 के बीच में। मैं एग्जैक्टली इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि काफी ज्यादा यू नो काफी बार इन प्रोडक्ट्स पे क्या होता है ऑफर्स लगता है, बाय वन गेट वन, या इस तरीके से अलग अलग यू नो साइट पर अलग अलग ऑफर्स चलते हैं, जिसकी वजह से आपको कम ज्यादा भी मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इसका एग्जैक्ट मैं मतलब अमाउंट ही बता सकती। 700 से 800 के बीच में आपको आराम से प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। इसको मैंने आराम से 3 महीने यूज किया है। ये मेरी सेकंड बॉटल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी भरी हुई है, क्योंकि ये सेकंड बॉटल है, ये फर्स्ट बॉटल नहीं है, सेकंड बॉटल है। चाहे तो मैं आपको फर्स्ट बॉटल भी यहाँ पर दिखा सकती हूँ, वो यहीं पर ही पड़ी है, बट ये मेरी सेकंड बॉटल है जो कि अगेन भरी हुई है। फर्स्ट बॉटल मैंने उसको यूज कर ली आराम से, मैंने उसको 3 महीने यूज किया है। इसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। अगर बात की जाए इस प्रोडक्ट के बारे में, तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, जब जैसे और सीरम्स क्या होता है आपके बालों को काफी ज्यादा ऑयली कर देते हैं, ये जो सीरम है बिल्कुल भी आपके बालों को ऑयली नहीं करेगा। आप इसको आराम से लगा सकते हैं, रोज के रोज लगा सकते हैं, एवरीडे इसको यूज कर सकते हैं, एंड बिल्कुल भी आपका जो स्कैल्प है वो ऑयली नहीं होगा। मैं इसको रोज यूज करती हूँ, कभी कभार हाँ एक आध दिन थोड़ा छूट जाता है किसी न किसी वजह से, बट मैं इसको नॉर्मली रोज यूज करती हूँ। अगर बात करें इसके रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट आपको एकदम से देखने को नहीं मिलेंगे, आपको उसको आराम से 3 महीने यूज करेंगे उसके बाद ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहले 1-2 महीने तो आपको यही मतलब देखने को मिलेगा कि आपका हेयर फॉल रुक गया, देन 3 महीने के बाद आपको अलग से हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी दिखना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी है, देखिए यहाँ पे मेरी थोड़ी थोड़ी हेयर ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो पहले आपके हेयर फॉल रुकेंगे, उसके बाद आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगी। अब काफी लोगों का ये होता है कि एकदम से 1 महीना यूज कर लिया उनको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी नहीं, हेयर सीरम्स को आराम से आपको 3 महीने आपको आराम से देना पड़ेगा। इस हेयर सीरम की बात नहीं करूँ, कोई भी अगर हेयर सीरम आप यूज करें आपको आराम से 3 महीने यू नो टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सोचो कि अभी मैंने इसको खरीदा है, 1 हफ्ते बाद आपको उसको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। एंड ये भी होता है कि अगर इसको आपने 2-3 महीने इसको आराम से यूज किया, जहां आप इसको यूज करना बंद करोगे वहां आपके बाल वही हो जाएंगे जो कि आपके थे। मतलब कि आप ये नहीं सोच सकते कि इसको एक टाइम यूज कर लिया, 2 बॉटल्स की खाली कर ली, 3 बॉटल खाली कर ली, इसके बाद आपके बाल वैसे की वैसे ही रहेंगे जो आपके उसके रिजल्ट देखने को अप्लाई करके रिजल्ट देखने को मिले हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको जहां इसको मतलब यूज करना बंद करेंगे आपका वही हेयर फॉल चालू हो जाएगा जो कि आपका पहले था, वही आपके बाल हो जाएंगे जैसे आपके पहले थे। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते रहोगे तब तक आपको इसका फर्क दिखेगा, जहां इसका यूज करना बंद वहां आपके वही बाल हो जाएंगे जैसे कि आपके पहले थे। तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये यू नो ये इसको यूज करके आपके बालों का पूरा गेम चेंज हो जाएगा, हेयर फॉल कम हो जाएगा। जब तक आप इसको यूज करोगे तब तक ठीक है,
बहुत अच्छा है। जहां आपने इसको यूज बंद करना बंद किया वहां ये अपने उस पे आ जाएगा, जहां आपके पहले आपकी यू नो स्टार्ट किया था आपने उसको यूज करना। सो ये बात काफी लोगों का ये होता है कि इसको यूज किया तो ठीक है, उसका मेरा हेयर फॉल और ज्यादा होता है, और ज्यादा नहीं होता, आपका वही आ जाती है हेयर साइकिल जहाँ पे आपकी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेयर साइकिल को भी प्रमोट करता है, इसमें है एनर्गेन जो कि हेयर साइकिल को प्रमोट करता है, यानी कि आपके जो बालों की जो हेयर साइकिल होते हैं, क्योंकि हर 30 डेज में हमारे जो पुराने हेयर होते हैं वो धीरे धीरे मतलब हटते हैं बाय द हेल्प मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ हेयर फॉल या हेयर लॉस, देन इसके आपके हेयर उसी जगह पे रीग्रो होते हैं। तो ये उसको धीरे धीरे जो आपकी हेयर साइकिल है उसको ये अच्छे से प्रोमोट करता है, बट कुछ टाइम के बाद आपके वही हेयर साइकिल हो जाएगी जो कि आपकी नॉर्मल थी। अगर आपका हेयर फॉल किसी और वजह से हो रहा है, यानी कि स्ट्रेस से हो रहा है, कोई डेफिशिएंसी हो गई B12 की, आयरन की, या आपको थायराइड है, या आपको यू नो हार्मोनल इम्बेलेंस है, तो आप सोचो कि इस ये सब दिक्कतों के बावजूद आप ये सोचो कि इस प्रोडक्ट से मेरा ये सब कुछ सही हो जाएगा, जी नहीं, एक टाइम के लिए सही हो जाएगा, ये सब ऊपर ऊपर काम करेगा, अंदर काम नहीं करेगा, जो कि रूट कॉज है आपके हेयर फॉल का। सो आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। डाइट में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा फ्लैक्स सीड्स हो गए, अगर नॉनवेज खा सकते हो तो नॉनवेज खाओ, एग्स ले सकते हो तो एग्स लो, या आयरन रिच सोर्स हो गए, पालक हो गए, यू नो जो भी हरी सब्जियां हो गई, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, इसको इनको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप साथ में आप जंक खा रहे हो एंड बिल्कुल यू नो आपका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल ही खराब है, एंड उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि इसको लगाने के बाद आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आपको, हार्मोनल इंबैलेंस है, उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि ये लगाने के बाद आपका बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जी नहीं, तब तक इसको यूज करोगे वहीं पर ही ठीक रहेगा, वो भी ठीक ही रहेगा। हो सकता है अगर आपकी बहुत ज्यादा आपकी दिक्कत है किसी चीज के अंदर, कुछ ज्यादा ही आपकी डेफिशिएंसी है, तो आपको लगेगा ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, जी नहीं, प्रोडक्ट काम करेगा तभी जब यू नो आपकी जो अंदर की जो रूट कॉज है वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो आपको रूट कॉज अपनी डाइट पे भी ध्यान करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको महंगे महंगे सीरम्स ही ले लेना है अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए, जी नहीं, आपको भी डाइट पे भी ध्यान करना पड़ेगा। ऐसे सीरम्स अगर लेके काम होता रहा या हेयर कप पे के हेयर केयर प्रोडक्ट्स पे आप इन्वेस्ट करते रहे एंड आपने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, आपने मेन रूट कॉज पे ध्यान नहीं दिया, तो कोई ये भी एक तरीके से पैसे बर्बाद दिए इन पे भी यू नो मतलब खर्च करना। क्योंकि अगर आपका रूट कॉज ही आपका कुछ सी डिफिशियंसी के हिसाब से है, या थायराइड के हिसाब से है, या मेनोपॉज है, या किसी स्ट्रेस है, इस वजह से आपका यू नो हेयर फॉल हो रहा है, तो उसमें ये भी काम नहीं करेगा, ये भी सिर्फ काम करेगा जहां जहां आप अप्लाई करोगे ऊपर से ही काम करेगा, रूट कॉज पे तो ऑब्वियस आपको खुद को ही काम करना पड़ेगा। सो ये मैं ये कहूंगी कि अगर आप ये खरीदने की सोच रहे हो, तो अगर आप ये सोच के खरीद रहे हो कि आपको बिल्कुल डाइट अच्छी है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, हार्मोनल इंबैलेंस नहीं है, कोई चीज की डेफिशिएंसी नहीं है, इसके बावजूद अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपका हेयर फॉल इन सब रीजंस की वजह से हो रहा है तो आपको उन पे काम करना पड़ेगा, इसके बजाय आप उन पे काम कीजिए, इसको मत खरीदिए। तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए इस प्रोडक्ट से, ये सब एक प्रोडक्ट है, ये सब ऊपर ऊपर से काम करेगा, वो भी जब तक यूज करोगे तब तक काम करेगा, जहां इसको यूज करना बंद कर दिया वहां ये काम नहीं करेगा। एंड ये भी कोई ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा सस्ता नहीं आता, 700 से 800 के बीच में आता है, 700 से 800 में अगर आपकी इसमें से कोई प्रॉब्लम है, यानी कि कोई डेफिशिएंसी है या इस तरीके से कोई स्ट्रेस है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। फ्लैक्स सीड्स ले लो, 800 रुपए में तो आराम से फ्लैक्स सीड्स काफी ज्यादा आ जाएंगे, बादाम आ जाएंगे, या हरी सब्जियां खा लो, इस तरीके से नट्स पे सीड्स पे इन्वेस्ट कर लो, उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड उससे मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अगर आपकी डाइट पर प्रॉब्लम है तो आप इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करो इसके बजाय। तो ये सिर्फ आपको ऊपर से काम करेगा, ये मत सोचो कि ये जादू की छड़ी है या आपने एकदम से लगाया एक दो महीने तक इसके बाद आपके बिल्कुल ठीक होगा, जी नहीं, जब तक आप इस पे 800 रुपए आपको इस पे इन्वेस्ट करते रहोगे उसके तब तक आपके बाल ठीक रहेंगे, तब तक आपका हेयर फॉल ठीक रहेगा, जहां आपने इस पे इन्वेस्ट करना बंद किया वहां आपके वही हो जाएंगे बाल। सो इससे अच्छा ये है कि 800 रुपए आप अपनी हेल्थी डाइट पे इन्वेस्ट करो। बाकी हाँ, अगर उधर पूरा मैटर सही है, आपकी पूरी हेल्दी डाइट है, आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, इसके बावजूद आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर आप इस पे कर सकते हो इन्वेस्ट। बाकी मैं तो यही कहूंगी, अगर आपके ये सारे प्रॉब्लम्स थी, जो सारे इश्यूज है वो बिल्कुल भी सॉल्व थी हैं, तो आप इन पे इस पे इन्वेस्ट मत करो, वो 800 रुपए या 700 रुपए इस पे इन्वेस्ट करो कि यू नो नॉनवेज खा सकते हो तो खा लो, नहीं तो फिर एग्स ले लो, या एग्स भी नहीं ले सकते तो नट्स पे, सीड्स पे, या हरी सब्जियों पे, अपने डाइट पे ध्यान दे लो। अगर स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हाई है तो थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करो, या इस तरीके से आपको इस वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो ये सब आप पैटर्न्स अपना सकते हो अपने हेयर फॉल को कम करने के लिए। बाकी हाँ, किसी किसी को हेयर फॉल जो होता है वो हेरिडिटी की वजह से भी होता है, या किसी किसी को मतलब यू नो घर में किसी को हेरिडिटी है, या मम्मी पापा की भी इस तरीके से हेयर फॉल होता था इस स्टेज में, या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो उसमें ये
कोई काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी प्रोडक्ट, फिर आपको पैसे बर्बाद दिया 800 रुपए। सो ये था मेरा रिव्यू। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा, हाँ, इस तरीके से दो, मुझे 3 महीने पूरे हो चुके हैं, मेरा हेयर फॉल काफी हद तक कम हो गया है। एंड यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू हेयर ग्रोथ हुई है, इधर बेबी हेयर्स आप देख सकते हो, हालांकि अभी भी थोड़ा थोड़ा है यहाँ पे ऐसा, बट ठीक है, 3 महीने में इतना ही रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हालांकि मैं डाइट में भी काफी हद तक मैंने थोड़ा यू नो इन्वॉल्व किए हैं ये सब चीजें, तभी मैं आपको यू नो सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी अगर आप ये खरीद के सोच रहे हो कि बिल्कुल जादू की छड़ी आपका हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इधर भी काम करना पड़ेगा जो जो ये फैक्टर्स हैं। सो आई होप काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी वीडियो। एंड अगर कुछ भी डाउट रह जाता है, कुछ भी क्वेरी रह जाती है जो कि मैं इस यू नो वीडियो में नहीं कवर कर पाई हूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली पूरे पूरे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगी, अपनी तरफ से पूरी यू नो कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की। एंड आज की वीडियो में इतना ही, आई होप काफी ज्यादा वीडियो आपको पसंद आई हो एंड यूजफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऐसे कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे देखने को मिलता रहेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।